ब्रिटेन ने बुधवार को ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के आपातकालीन इस्तेमाल को मंजूरी दे दी, जिसके बाद भारत में भी इस वैक्सीन को मंजूरी मिलने की उम्मीद बढ़ गई है। भारत का सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया इस वैक्सीन कोविडशील्ड का उत्पादन कर रहा है और उसने शुरू में ही 50% वैक्सीन भारत को देने का वादा किया था। ब्रिटेन पहला देश है जिसने ऑक्सफोर्ड एस्ट्राजेनेका की वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी दी है। उम्मीद की जा रही है कि ब्रिटेन की सरकार के इस निर्णय के बाद भारतीय दवा नियामक भी इस पर कोई नए ले सकता है। सेंट्रल ड्रग्स स्टैंडर्ड कंट्रोल ऑर्गेनाइजेशन की सब्जेक्ट एक्सपर्ट कमेटी ने इस संबंध में बुधवार को एक बैठक की। इस बैठक में कमेटी के सदस्यों ने वैक्सीन से संबंधित कुछ और डेटा मांगा है, जिसकी वजह से इस वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिलने में कुछ और वक्त लग सकता है। सीरम इंस्टीट्यूट ऑफ इंडिया को ये डेटा उपलब्ध कराना है, जिसके जरिए कमेटी इस बात की समीक्षा करेगी कि वैक्सीन कितनी कारगर और सुरक्षित है। एसईसी की अगली बैठक शुक्रवार को होने वाली है और ये उम्मीद की जा रही है कि जनवरी के शुरुआती हफ्तों में ही इस वैक्सीन के इस्तेमाल को मंजूरी मिल सकती है। कोरोना वायरस से जुड़ी ऐसी ही और भी तमाम खबरों को पाने के लिए बने रहें हमारे चैनल के साथ।